देखिए आज की क्लास में हम आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बेसिकली तो वो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट से बिलोंग करता है, लेकिन हम लोग एक बार कल का रिकैप करेंगे जो हमने कल आपके साथ डिस्कस करा था क्लास में। कल हमने कहा था कि हम आपको रिटर्न स्टार्ट करेंगे, रिटर्न सिखाएंगे। रिटर्न में हमने कहा था कि जीएसटी में वैसे तो रिटर्न बहुत सारी होती हैं, अगर हम बात करें टोटल मिला के जीएसटी में 10 तरह की रिटर्न होती है, जैसे GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3, GSTR 4, GSTR 5, GSTR 6, GSTR 7, GSTR 8, GSTR 9, GSTR 10, GSTR 11, इतनी तरह की GST रिटर्न होती हैं। बेसिकली ये रिटर्न सब अलग अलग क्राइटेरिया पर बेस हैं, लेकिन मार्केट में जो सबसे ज़्यादा रिटर्न यूज़ होती है उसका नाम है GSTR 1। लेकिन सबसे पहले रिटर्न का कोई मीनिंग बता दे, तब हम अपने काम को समझ सकते हैं। रिटर्न मतलब होता है अपने डाटा को गवर्नमेंट को देना ही रिटर्न कहलाती है। अपने डाटा को तुम गवर्नमेंट को देना चाहते हो वही रिटर्न कहलाती है। तुमने कहा कि गवर्नमेंट मैंने 25 लाख का माल खरीदा, जिसका 25 लाख का मैंने माल खरीदा जिसका टैक्स बनता था 18% के हिसाब से, कितना टैक्स 4.5 लाख रुपए। टोटल मिला के मैंने परचेज कितने की करी, मैंने 29,50,000 रुपये की परचेज करी। मैंने कहा गवर्नमेंट मैंने सेल करी 1 लाख रुपये की, 1 लाख पर टैक्स बनता है कितना 18,000 रुपये, कितना बनता है 18,000 रुपये बनता है। गवर्नमेंट को मैंने कहा मैंने 18,000 रुपये लोगों से लिए और मैंने लोगों को आपको दिए कितने 4.5 लाख रुपये, ठीक है। मैंने माल खरीदा तो पार्टी को दे कितना दिया 4.5 लाख रुपये टैक्स का दे दिया और मुझे मिला कितना 18 लाख। तो गवर्नमेंट बीच का डिफरेंस जो है मुझे क्या कर दो, पे कर दो। तो क्या गवर्नमेंट तुम्हारी इतनी बातें मान लेंगी, गवर्नमेंट तुम्हें टैक्स दे देगी, आके दे देगी क्या टैक्स? तुमने गवर्नमेंट को बोला सर 25 लाख का माल खरीदा, 4.5 लाख मैंने पार्टी को दे दिया, टोटल इतने की परचेज इतने की सेल होगी, लाओ मेरा टैक्स क्या कर दो रिफंड। तो क्या गवर्नमेंट तुम्हारा टैक्स रिफंड कर देगी? नहीं करेगी। क्यों? गवर्नमेंट कहेगी मैं, मेरे पास डाटा तो आया नहीं, मैं डिसाइड कैसे करूं? तो ये जो 25 लाख का माल खरीद के लाया तो किस किस से खरीद के लाया, तू तो अपने आप कह सकता है, झूठ बोल सकता है, तो हमें क्या दे डाटा दे। तो जब मैं अपने डाटा को बीजी को गवर्नमेंट को देता हूँ उसे क्या कहते हैं हम लोग, रिटर्न कहते हैं। अब ये डाटा हो सकता है बीजी सॉफ्टवेयर पे आप मेंटेन करते हो, वो डाटा है टैली पर करते हो, मार्क पर करते हो, या फिर किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे यूज़ करते हो, हमें कोई मतलब नहीं। तुम अपने डाटा को हमें एक डेट के अकॉर्डिंग लाकर मुझे दे दो, वही क्या कहलाती है, रिटर्न कहलाती है। समझ आया? जो ये आपका डॉक्यूमेंट है, अगर यही डॉक्यूमेंट किसको दे दो, गवर्नमेंट को, वो क्या कहलाती है, रिटर्न कहलाती है। फिर गवर्नमेंट डिसाइड कर दी तुमने जेन्युइन काम करा या लोकल करा, वो गवर्नमेंट के ऊपर है। जब तुम अपने ही डाटा को गवर्नमेंट को दे दो क्या कहलाती है, रिटर्न कहलाती है। इसके बाद हमने जो बात की थी वो GSTR 1 की बात की, जिसका नाम था गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न 1, जिसका नाम होता है सेल या जिसका नाम होता है आउटवर्ड। क्लियर है? क्या बोलते हैं हम, आउटवर्ड। जैसे मैंने बताया था इसको दो पार्टों में गवर्नमेंट ने बांटा, छोटे व्यापारी और बड़ा व्यापारी। छोटा व्यापारी कौन, जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे का था, और बड़ा व्यापारी जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर का 1.5 करोड़ से ज़्यादा था। मैं बता दूं आप लोगों को, 1.5 करोड़ का टर्नओवर बहुत कम लोगों का होता है मार्केट के अंदर, काफ़ी अच्छा ही होता है, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई, कहा कि अगर तुम बड़े व्यापारी हो और तुम्हारा लास्ट ईयर का टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ से ज़्यादा था, तो आपको बिना पूछे आप किसके अंदर आ जाओगे, मंथली के अंदर। मेरे पास आना नहीं पूछने के लिए, अपने आप किस में चले जाना, मंथली में। और जो तुम रिटर्न भरोगे ना, अप्रैल की रिटर्न कब तक भर देना, मई तक। मई की रिटर्न कब तक भर देना, जून तक। जून की रिटर्न जुलाई तक, जुलाई की रिटर्न अगस्त तक, अगस्त की रिटर्न सितंबर तक भर के मुझे दे देना। अगर तुम लेट करोगे तो 50 रुपये की पेनल्टी लगेगी पर डे की, अगर तुमने 10 दिन लेट करा तो 500 रुपये की पेनल्टी, और तुमने अगर 100 दिन लेट कर दिया तो कितनी पेनल्टी हो जाएगी, 5,000 रुपये, ठीक है। और मैंने ऐसी बहुत सारी पेनल्टी भरी, लोगों ने, आप यकीन नहीं मान सकते, एक बंदे ने 52,000 रुपये की पेनल्टी भरी थी, पेनल्टी पेनल्टी, ठीक है। लेकिन उसने 1 साल तक रिटर्न नहीं भरी थी, तो उसकी पेनल्टी कितनी बन गई थी, 52,000, ठीक है। ये बात की बात है। तो आपको अपनी रिटर्न कब तक भरनी है, नेक्स्ट मंथ ऑफ 11 तक भरनी है, ठीक है। वैसे अगर लो की बात करें तो लो में लिखा हुआ है 10 तारीख, क्या कितनी तारीख लिखा हुआ है,
10 तारीख, लेकिन गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाल ली, कितनी तारीख कर दी, 11 तारीख कर दी, ठीक है। अगर तुम बड़े व्यापारी हो तुम्हें अपनी रिटर्न कब तक भर देनी है, अगले महीना जो भी आएगा उसकी 11 तारीख तक भर देनी है। लेकिन अगर तुम्हारा डाटा 1.5 करोड़ से कम का है, अगर तुम्हारा टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम का है, तो उस केस में आप क्या करोगे, क्वार्टरली। और साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। पहला क्वार्टर कब से स्टार्ट होता है, अप्रैल मई जून, दूसरा जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और फोर्थ क्वार्टर आपका जनवरी फरवरी मार्च। इसकी लास्ट डेट क्या है, जब क्वार्टर खत्म हो उसका जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसकी लास्ट डेट। जैसे अप्रैल जून के बाद जुलाई आता है, सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, दिसंबर के बाद जनवरी आता है, और मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो उसकी लास्ट डेट आपको ध्यान रखनी, ठीक है, समझ आ गया। चले, इसके बाद मैंने कहा था GST RM1 में टोटल मिला के कितनी टेबल हैं, 11 टेबल हैं, जिसमें हमने पहली टेबल क्या बोली थी, B2B, क्या बोली थी हमने, B2B बोली थी। दूसरी टेबल क्या थी, B2C थी, और एक B2C स्मॉल थी। B2B में मुझे कुछ बताना नहीं था आपको, आप सभी जानते थे B2B का मतलब क्या था। मेरे पास GST नंबर है, आपके पास GST नंबर है, तो हम लोग क्या बन जाएंगे, B2B, या शॉर्ट लैंग्वेज में कह सकते हो आप भी रजिस्टर्ड मैं भी रजिस्टर्ड, तो हम दोनों क्या कहलाएंगे, B2B, क्या कहलाएंगे हम लोग, B2B, क्या कहलाएंगे हम लोग, B2B। कोई प्रॉब्लम इसमें, समझ आ गया, तो क्या कहलाते हैं, B2B। लेकिन कल हमने सीखा था B2C लार्ज और B2C स्मॉल। B2C लार्ज के लिए हमें 3 बातें माननी पड़ेंगी, कौन कौन सी, पहला पार्टी अनरजिस्टर्ड होनी चाहिए, दूसरी पार्टी अदर स्टेट की होनी चाहिए, और तीसरी बिल की वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा की होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या थी, पार्टी क्या होनी चाहिए, GST नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, होगा तो वो रजिस्टर्ड हो गए तो B2B में आ जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या थी, वो अदर स्टेट की होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन क्या थी, बिल की वैल्यू कितने से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, कितनी होनी चाहिए। ये 3 बातें पूरी कर लोगे तो आप क्या बन जाओगे, B2C, और लिख दोगे आप क्या, लार्ज, और इनमें से एक बात भी पूरी नहीं करोगे तो क्या बन जाओगे, B2C स्मॉल, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी। इतना क्लियर हो गया था कल की क्लास में, किसी को इतने में डाउट है तो बोलिए। नहीं, ऐसा नहीं है, 2.5 लाख से कम की नहीं हो सकती। मैं दिल्ली का हूँ, ठीक है, और पार्टी भी कहाँ की, दिल्ली की। बिल की वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपए। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो। ढाई लाख से ऊपर, तो लार्ज वाले की तो बात कर रहा हूँ मैं, क्या बोल रहे हो, हाँ 2.5 लाख से नीचे होगी, भाई ये तीनों ये बातें सेम है, अगर इनमें से एक बात भी तुम मानोगे नहीं तो तुम किस में आ जाओगे, B2C स्मॉल में आ जाओगे। ये सारी बातें सेम है, अगर इनमें से एक बात भी तुम पूरी नहीं कर तो किस में आ जाओगे, B2C स्मॉल में। क्लियर है, समझ आ गया आप लोगों को, और कोई बोले, है आप में से कोई जिसको डाउट है। ये 3 सबसे ज़्यादा टेबल यूज़ होती है मार्केट में, और कोई टेबल यूज़ नहीं होती, B2B, B2C और B2C स्मॉल। याद रखना एक बात और भी, कल मैंने बताई थी आप लोगों को, वे याद रखना, क्या वे था, GST रिटर्न के भरने के 2 तरीके होते, एक होता है ऑनलाइन मोड, एक होता है ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन तभी एक्सेप्ट करता जब बिल की कॉपी कितनी ज़्यादा ना हो, 500 से ज़्यादा ना हो। अगर तुम्हारी बिल की कॉपी कितनी ज़्यादा हो गई, 500 से ज़्यादा हो गई, तो आपको ऑनलाइन नहीं पिक करना, क्या पिक करना है, ऑफलाइन पिक करना है, ठीक है। ऑफलाइन आप क्या कर सकते हो, ऑफलाइन यूटिलिटी यूज़ कर सकते हो, एक्सेल यूटिलिटी यूज़ कर सकते हो, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, और GSP का मतलब होता है GST सुविधा प्रोवाइडर, क्या होता है, GST सुविधा प्रोवाइडर। ये बाद में डिस्कस करेंगे कौन लोग होते हैं। 2 बातें याद रखना, GST में रिपोर्ट 2 तरीके से, एक होता है बिलवाइज लेना, और एक होता है कंसोलिडेटेड करके देना। अगर तुम लोकल की पार्टी हो, मैं भी दिल्ली का हूँ, आप भी दिल्ली के हो, तो क्या हो गए हम लोग,
इंट्रा स्टेट, ठीक है, अगर तुम्हारी पार्टी रजिस्टर्ड है, मतलब बी टू बी वाली है, तो तुम कैसे दोगे मुझे इन्फॉर्मेशन? इनवॉइस वाइज दोगे। कैसे दोगे आप? इनवॉइस वाइज दोगे। और अगर तुम अनरजिस्टर्ड, तो रिपोर्ट कैसे दोगे? कंसोलिडेटेड वे में। लेकिन दो बातें याद रखनी थी, एक टैक्स रेट होना चाहिए, ठीक है, अगर टैक्स रेट अलग अलग है तो उनका टोटल करना, क्या करना है उनका टोटल करके देना। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है हम तुमसे पूछेंगे तुमने किस किस को माल बेचा, तुम क्या करके देना उसको? इकट्ठा करके देना। इकट्ठा का मतलब समझते हो? सबका जोड़ के देना, ठीक है। कल मैंने बताया भी था, मान लो यहाँ टैक्स रेट लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए मैंने यहाँ पर? टैक्स रेट लिखे हुए हैं, एक 18% है, एक 12% है, एक 5% है, एक 18% है, ऐसे ही मैंने काफ़ी सारे टैक्स लिखे हुए हैं, 18%, 18%, 18%, 12%, 12%, 5%, ठीक है, इतने सारे टैक्स रेट हैं, ठीक है, ये टैक्स की वैल्यू है, ये टैक्सेबल वैल्यू है, ठीक है, मैंने यहाँ लगा दिया। ये टैक्सेबल वैल्यू है, ये टैक्स अमाउंट है, ठीक है। अब देखो ये सारी जो ट्रांजेक्शन है, कौन सी ट्रांजेक्शन है? ये बी टू सी है। क्या ये हमारी बी टू सी है? अब हमें से क्या करना है? कंसोलिडेटेड करना है। क्या करना है? कंसोलिडेटेड। अब हम क्या करेंगे? 18 वालों को पिक करेंगे, ये 18, ये 18, ये 18, ये 18, ये 18, इन सब का टोटल करेंगे, इसके आगे लिख देंगे कितना? 18%। फिर क्या निकालेंगे? 12%। कौन सा है हमारा? इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको, फिर क्या निकालेंगे? 5%। इसको प्लस करेंगे और इसको प्लस करेंगे, इनका टोटल करो कितना आ रहा है? टोटल इतना आ रहा है, और इन तीनों का टोटल देखो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। ऐसे हम कैसे करके देंगे? इस तरीके से कंसोलिडेटेड करके देंगे। और इस वाले में किस में देंगे हम? इसमें ऐसे करके नहीं देना, गवर्नमेंट कहती कैसे करके दो? कंसोलिडेटेड करके दो, कैसे मतलब इकट्ठा करके दो, वरना मैं तुमसे पूछता रह जाऊंगा, तुम मुझे बताते रह जाओगे, ठीक है। तो इस वे में हम गवर्नमेंट कैसे लेते हैं? कंसोलिडेटेड करके देते हैं। अगर हमारी पार्टी क्या है? लोकल, के वो क्या है? अनरजिस्टर्ड है। रीजन जानते हो क्यों कहा गवर्नमेंट ने ऐसा? क्योंकि एक छोटा व्यापारी दिन में 500 लोगों को माल बेच सकता है। आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ, 500 लोग वहाँ खाना खाने आते होंगे, तो कैसे उनसे नाम पूछता रहेगा क्या सबसे? तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि उनकी रिपोर्ट हमें कैसे दो? कंसोलिडेटेड बनाकर दो। कैसे बनाकर दो? हमें कंसोलिडेटेड बना के दो। लेकिन अगर दिल्ली से बाहर की पार्टी है, ठीक है, इनवॉइस वाइज दो, अगर बी टू बी है, लाल जो है तो भी कैसे दो? बी टू सी दो, ठीक है, और एक्सपोर्ट है तब भी हमें क्या दो? इनवॉइस वाइज दो। अच्छा, लार्ज में ऐसा क्यों करा गवर्नमेंट ने? कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक है ऐसा? ढाई लाख से ऊपर ऐसा गवर्नमेंट ने इनवॉइस वाइज क्यों मांगा? वो भी तो कंसोलिडेटेड करके दे सकते थे, बताओ। कोई रीजन है किसी के पास ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों करा है? कोई इंटेंशन? अरे बी टू सी लाल वाले कौन होते हैं? अनरजिस्टर्ड होते हैं ना वो भी, तो गवर्नमेंट ने यहाँ कंसोलिडेटेड क्यों नहीं मांगी? इनवॉइस वाइज क्यों मांगे? क्यों मांगी है? अदर स्टेट है फिर भी। देखो पहली बात तो 2.5 लाख छोटा अमाउंट नहीं होता, 2.5 लाख छोटा अमाउंट नहीं होता, कोई बड़ा बंदा ही ले रहा होगा 2.5 लाख का माल, ठीक है। और कोई आज के समय कोई ऐसा बंदा नहीं, मैंने नहीं देखा जो एक बिल ले रहा है 2.5 लाख से ऊपर, वो भी वो अनरजिस्टर्ड हो, सब अब आज के टाइम में रजिस्टर्ड है, ठीक है, सब क्या है? मेरे पास जो मेरी खुद की कंपनी उसका भी GST नंबर है, अलग से मैंने एक और ले रखा है सिखाने के लिए आपको काम, ताकि मैं बच्चों को रिटर्न भरना सिखाऊं, टैक्स पे करना सिखाऊं, तो मैंने भी ले रखा है। लेकिन गवर्नमेंट का इंटेंशन ये था कि बिल का अमाउंट ज़्यादा है और हमें स्टेट को देना है, हमें स्टेट को देना है, इसलिए हम क्या करें? कंसोलिडेटेड करें। इसके पीछे 2-3 रीज़न और थे जो बताने चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन अभी उसकी नीड नहीं है, तो याद रखना। और अगर दिल्ली से बाहर की पार्टी और वो भी क्या है? अनरजिस्टर्ड है, तो आप उसे कैसे दोगे? बी टू सी कंसोलिडेटेड।
अगर कोई बाहर की पार्टी है और वो तीनों बातें पूरी नहीं करता, कौन सी? अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, अदर स्टेट का होना चाहिए, बिल की वैल्यू, अगर उनमें से सारी बातें नहीं मानता, वो बी टू से किस में आ जाएगा? स्मॉल में आ जाएगा। तो वो रिपोर्ट कैसे देगा? कंसोलिडेटेड करके देगा। कंसोलिडेटेड का मतलब इस तरीके से करके देगा, ठीक है। इसके बाद हमने कल कहा था कि हम क्रेडिट नोट और डेबिट नोट पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। मैंने ऐसे बहुत से इंटरव्यू देखे हैं जो लोग लेते हैं, वो क्वेश्चन इन दो चीज़ों से ही पूछते हैं, इन दो चीज़ों पर ही क्वेश्चन बेस होता है। उनका मानना है कि ये लोग तो इजी तरीके से बता देते हैं, लेकिन इसमें मैं कंडीशन बना सकता हूँ, इसमें मैं कंडीशन बना सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग डेबिट नोट के बारे में आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हम कोशिश करेंगे कि आपको डेबिट और क्रेडिट नोट के बारे में बताएं, लेकिन आज की क्लास में हम खाली डेबिट नोट के बारे में चर्चा करेंगे और किसी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। डेबिट नोट होता क्या है, ये कंडीशन हमें आज डिस्कस करनी है। पहले एक कहानी सीख लेते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से बता सकते हैं। ये कौन है? सेलर। और ये कौन है? बायर है। ये मेरे पास आता है, कहता है सर मुझे 1 लाख रुपए का माल चाहिए। मैंने कहा आप मुझसे 1 लाख का माल खरीदना चाहते हैं? उसने कहा सर आप मुझे 1 लाख का क्या कर दो, माल दे दो। मैंने कहा सर मैं 1 लाख का माल आपको भेज दूंगा, उस पर टैक्स कितना लगेगा और टोटल मैं कितना दे दूंगा आपको? 1,18,000 रुपए का आपको माल दे दूंगा। वो मेरे से 1,18,000 रुपए का माल ले गया। लेकिन जब वो घर गया, ठीक है, तो अच्छा जब उसने माल खरीद लिया मुझसे, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? मैं टैली में या बीजी में क्या एंट्री पास करूंगा? बायर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट और टू टैक्स अकाउंट। ये अपने पास एंट्री क्या करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टैक्स अकाउंट डेबिट टू सेलर, एंट्री करेगा ना। अरे ये भी तो टैली सॉफ्टवेयर यूज करता होगा, खरीदने वाला या बेचने वाला भी यूज करता होगा, दोनों काम करते होंगे ना। इसने भी अपने पास एंट्री कर दी बायर अकाउंट डेबिट टू सेलर अकाउंट टू टैक्स अकाउंट। इसने एंट्री क्या करी? परचेज अकाउंट डेबिट टैक्स अकाउंट डेबिट टू सेलर कर दी। इसने ये वाले अमाउंट की एंट्री अपने सिस्टम में कर दी। इसके बाद इसको पता चला कि इसने जो माल खरीदा वो उसमें कुछ कमियां थी। क्या थी? पहली कमी डैमेज था, दूसरा गुड्स की वैल्यू कम थी, गुड्स की क्वांटिटी कम थी। 1 लाख का माल मांगा था, 90,000 का माल दिया, इसे क्या बोलते हैं? ओवर चार्ज। दूसरा केस, बिल 1 लाख का बनना था, बिल बना दिया 2 लाख का, कुछ भी कांड हो सकते हैं। मैं बात तुमसे 10 रुपये लेट की कर रहा, तुमने 12 का बिल बना दिया। कितने का बना दिया? 12 का। तो इन कारणों के वश वो क्या बनाएगा? डेबिट नोट। क्या बनाएगा? डेबिट नोट। मैंने तुम्हें स्टेपलर बेचा 1 लाख पीस, हो सकता है 1 लाख सारी सही हो सकता है 10% खराब हो, तो क्या हो गई? डैमेज हो गई, ठीक है। मैंने 10 रुपये की बात करी थी आपसे, मैंने आपसे 10 रुपये की बात करी, बिल बना के भेज दिया 12 रुपये का, तो भी रीज़न है। दूसरा ओवर चार्ज कर लिया, वही 10 का बिल 12 का बना दिया। तो उसे कम करने के लिए हम क्या बनाएंगे? डेबिट नोट। क्या बनाएंगे हम लोग? डेबिट नोट, ठीक है। हमने एंट्री क्या करी थी उस समय जब माल खरीदा था? परचेज अकाउंट डेबिट टैक्स अकाउंट डेबिट टू सेलर। अब जब माल वापसी करेंगे तो क्या बनाएंगे? सेलर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न और टू टैक्स। समझ आ रहा मेरी बात? क्लियर है? तो यही रीजन है कि जब हम एंट्री करते हैं, मैं तुम्हें माल बेच रहा हूं लेकिन माल में कमी हो जाए, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? डेबिट नोट। डेबिट नोट कौन बनाता है? जो माल खरीदता है। डेबिट नोट कौन बनाता है? जो माल खरीदता है। बायर डेबिट नोट बनाता है। तो सेलर क्या बनाएगा? क्रेडिट नोट। क्या बनाएगा? क्रेडिट नोट। क्या बनाएगा वो? क्रेडिट नोट। समझ आ गया? तो आप यहां पढ़ेंगे तो लिखा हुआ भी है व्हेन गुड्स आर रिटर्न, जब गुड्स को हम क्या करते हैं? रिटर्न करते हैं। द परचेजर या फिर बायर जो माल खरीदता है, जब वो क्या करता है? रिटर्निंग द गुड्स प्रिपेयर अ मेमो विद फुल पर्टिकुलर देयर ऑफ। वो उसके लिए क्या बनाता है? एक मेमो बनाता है। मेमो मतलब टैक्स इनवॉइस। मेमो को बोलते हैं बिल। बिल को क्या? बिल बोलते हैं। मेमो क्या बोलते हैं हम लोग? बिल। एंड सेंड इट्स टू द सप्लायर या फिर सेलर टू होम द गुड्स हैव बीन रिटर्न, दिस मेमो इज कॉल्ड अ डेबिट नोट। उसे हम क्या बोलते हैं? डेबिट नोट। क्लियर है? पहला कारण, मैं माल वापसी कर दूं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डेबिट नोट। और डेबिट नोट के कारण मैंने बता दिए, 3 कारण हो सकता है। पहला हो सकता है डैमेज, दूसरा हो सकता है गुड्स, और तीसरा हो सकता है ओवर चार्ज। क्लियर है? जब तुम बिल बनाओगे तो उसमें रीजन लिखोगे,
क्वांटिटी लिखोगे और क्या लिखोगे, अमाउंट लिखोगे। क्लियर है? दूसरा रीजन ये हो सकता है कि हमने क्या कर दिया हो बिल में, ओवर चार्ज कर दिया। क्या कर दिया हमने? ओवर चार्ज। मैंने तीनों बातें वहां लिख दी, तीनों बातें क्या लिख दी मैंने, लिख दिया ओवर चार्ज, डैमेज या फिर गुड्स, कुछ भी रीजन हो वो मैंने वहां मेंशन कर दिया। तीसरा कहता है कि जब मैं डेबिट नोट बना लेता हूं, मैं डेबिट नोट बना लेता हूं, आपको डेबिट नोट देता हूं, तो ये किस कारण देता हूं, ताकि आप भी एंट्री कर लें, आप भी क्या कर लें, एंट्री कर लें। मान लो इस पार्टी ने इसे बनाकर क्या दे दिया, डेबिट नोट, इस बायर ने सेलर क्या बना के दे दिया, डैमेज नोट। किस रीजन के कारण, कि सर आपका माल सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं था, सर आपके माल में डैमेज था, सर आपने क्या चार्ज कर लिया, ओवर चार्ज कर लिया, उसके कारण मैं क्या बना रहा हूं, एक डेबिट नोट। सर यही डेबिट नोट आपके लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिट नोट। मेरी परचेज आपकी क्या होती है, सेल। मेरी सेल आपकी क्या बनती है, मेरी रिसीप्ट आपकी क्या बनती है, पेमेंट। तो इसका डेबिट नोट इसके लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिट नोट। अगर ये क्रेडिट नोट इश्यू करेगा तो उसके लिए क्या बन जाएगा, वो डेबिट नोट। समझ आ गया? तो इसने ये जो बात लिखी हुई है कि जो सप्लायर उसको डेबिट नोट इश्यू करता है, उसका मेन पर्पस होता है सेलर तू भी एंट्री कर ले, तू भी एंट्री कर ले, ताकि बाद में दिक्कत ना हो, मैंने इशू कर दिया तू एंट्री नहीं कर रहा, ये बात कहां बनती है, ये बात अच्छी नहीं तो नहीं होती ना। तो उसने कहा पहले तू एंट्री कर ले, इसलिए मैं तुझे क्या इशू कर रहा हूं, डेबिट नोट इशू कर रहा हूं। क्या इशू कर रहा हूं मैं, डेबिट नोट। आ जाओ, अब ये अपने पास एंट्री करेगा, ये अपने पास भी तो एंट्री करेगा, जब इसे क्या मिलेगा, डेबिट नोट। ये एंट्री क्या करेगा, सेल अकाउंट डेबिट या फिर सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट टू टैक्स अकाउंट। ये अपने पास एंट्री क्या करेगा, सेलर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू टैक्स अकाउंट। मतलब अपोजिट एंट्री करेगा, पहले इसने क्या एंट्री करी थी, पहले एंट्री करी थी बायर अकाउंट डेबिट टू सेल, बायर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट और टू टैक्स अकाउंट। अब क्या कर रहा है ये, सेल अकाउंट डेबिट या फिर सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, मुझसे गलती हो गई, टैक्स डेबिट होगा, यहाँ पर टैक्स क्या होगा, डेबिट होगा। ये एंट्री आप ठीक कर लेंगे, मैं ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, ये एंट्री करेगा, ठीक है, सेल लिखा है, जबकि इसे हम क्या बोलेंगे, सेल रिटर्न, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, क्रेडिट नोट। ठीक है, अकाउंट डेबिट टू बायर, ये क्या एंट्री पास करेगा, सेलर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न और टू टैक्स रिटर्न। क्लियर है? अब एक बात याद रखना, ये बायर डेबिट नोट भी इश्यू कर सकता है, क्रेडिट नोट भी इश्यू कर सकता है। अगर बिल में ओवर चार्ज लग के आया हो, बिल में क्या लग के आया हो, ओवर चार्ज लग के आया हो, बिल में इनवॉइस की वैल्यू क्या है, गलत है, या फिर गुड्स क्या है, डैमेज, जब वैल्यू को कम करना होगा तो क्या बनाएगा, वो डेबिट नोट, और जब वैल्यू को बढ़ाना होगा तो क्या बनाएगा, क्रेडिट नोट। शॉर्ट चार्ज लगा दिया, 10 का बिल बनना था, 9 रुपए का बिल बना दिया, तो उसे बढ़ाने के लिए क्या बनाएंगे, क्रेडिट नोट, घटाना होगा तो क्या बनाएंगे, डेबिट। हाँ, दोनों बना सकता है वो, मैं सेलर हूं, मैं डेबिट नोट भी बना सकता हूँ, क्रेडिट नोट भी। अगर मैं बायर हूं, मैं बायर हूं, अगर वैल्यू को घटाना हो तो क्या बनाऊंगा, डेबिट नोट। हाँ, तो रीजन होगा कि जो बिल आपने दिया है उसको वो कम का था, वो बिल की वैल्यू को बढ़ाना चाहता है, बिल की वैल्यू क्या, वो बताता हूँ। अगर बिल शॉर्ट चार्ज है तो उसके लिए क्या बनाओगे, क्रेडिट नोट। बिल का अमाउंट कम का बना है तो क्या बनाओगे, क्रेडिट नोट। और क्वांटिटी क्या कर दी आपने, एक्स्ट्रा भेज दी, 100 पीस भेज दी, अपने 120 भेज दी, तो बिल भी तो कम बना होगा, तो उसे बढ़ाने के लिए क्या करोगे, सेल रिटर्न नहीं करेगा, वैल्यू को इंक्रीज करेगा। जैसे अभी मैं समझा रहा हूँ, नीचे एग्जाम्पल लिए मेरे पास बहुत सारे, बस आप ये समझ लो कि अगर बिल शॉर्ट बना हो, बिल का अमाउंट कम हो, या क्वांटिटी आपने एक्स्ट्रा भेज दी, बिल कम का बना है, तो उसके लिए क्या बनाओगे आप, क्रेडिट नोट। अच्छा बैठो, ये क्लियर कर दो, फिर आपका क्वेश्चन सॉर्ट करता हूँ।
ओवरचार्ज, इनवॉइस वैल्यू या फिर डैमेज, तो उसके लिए क्या बनाओगे आप? डेबिट। देखिए ये बात होती है अगर सेम मंथ की तो दिक्कत नहीं होती। मैंने अप्रैल में बिल काटा, मैं अप्रैल में चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने अप्रैल की रिटर्न भर दी, तब मैंने अप्रैल की रिटर्न भर दी, उस केस में आप क्या करोगे? क्या उस बिल को चेंज करोगे जो गवर्नमेंट के पास चला गया? उसको चेंज नहीं कर सकते ना, फिर क्या करोगे? अच्छा तुम्हें 4 महीने बाद पता चलेगा, फिर तुम्हारे पास कोई घड़ी कोई है टाइम मशीन की फ्यूचर का पास कर सकते हो? बताओ अच्छा, पार्टी को तो पता ही नहीं चलता खुद भी। मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, दिन में एक बार 50 बिल आते हैं तुम्हारे पास, मेरी पार्टी आपको भेजती है, लेकिन तुमने किसी बिल को चेक नहीं करते, तुम उस पर ट्रस्ट करके काम कर रहे हो, फ्यूचर में पता चलता है 4 महीने बाद कि बिल गलत हो गया, फिर क्या करोगे? तो वहाँ ओरिजिनल इनवॉइस नंबर पूछा जाता है ना, तुमने किस बिल के अगेंस्ट डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू करा है। हाँ तो फिर अगर सेम मंथ की बात हो तो इशू नहीं, आप चेंज कर लो उस बिल को जो आपके टैली के अंदर। अरे आप उस बिल को कैसे चेंज करोगे जो गवर्नमेंट को आपने दे दिया, बताओ मुझे? आप चेंज ही नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक ही बनाना पड़ेगा, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। मैंने कल की क्लास में भी कहा था इतना ईजी नहीं कि आप एक क्लास में समझ जाओ उसे। यही मैं कह रहा हूँ, बायर अगर बिल की वैल्यू को कम करना चाहेगा तो डेबिट नोट बनाएगा, और अगर बिल की वैल्यू को बढ़ाना चाहेगा तो क्या बनाएगा? वो क्रेडिट नोट बनाएगा। बस एक बात मन में फिक्स कर लो, चाहे सेलर हो या बायर, बायर हमेशा क्या बनाता है? डेबिट नोट, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या करना होता है? कम करना होता है, और अगर वैल्यू को बढ़ाएगा तो क्या बनाएगा? वो क्रेडिट नोट। ठीक है, बस एक बात याद रखो, अगर बायर है वैल्यू को बढ़ाना है तो क्रेडिट नोट, वैल्यू को घटाना है तो डेबिट। ज़्यादातर केस में डेबिट नोट बनाएगा बायर, ठीक है, क्रेडिट नोट बनाएगा। लेकिन स्पेशल कैश इंटरव्यू में क्वेश्चन अपोजिट होते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन बायर का क्रेडिट नोट से पूछा जाता है और सेलर का डेबिट नोट से पूछा जाता है। तुम बोल दो क्रेडिट नोट, सेलर क्रेडिट नोट बनाता है जब वैल्यू को क्या करना हो? घटाना हो। सेलर डेबिट नोट कब बनाएगा? जब वैल्यू को बढ़ाना हो। अपोजिट है, क्या है? अगर परचेज वाली पार्टी वैल्यू को कम करेगी तो हमेशा क्या बनाएगी? डेबिट नोट, और अगर वैल्यू को बढ़ानी होगी तो क्या बनाएगी? क्रेडिट नोट। ठीक है, लेकिन अगर सेलर है वो हमेशा क्या बनाएगा? वैल्यू को घटाने के लिए क्रेडिट नोट, और वैल्यू को बढ़ाने के लिए डेबिट नोट। सर घटाने के लिए डेबिट नोट, सुन लो क्वेश्चन दोबारा फिर बोलो, अगर बायर है तो घटाने के लिए डेबिट नोट, बढ़ाने के लिए क्रेडिट, अगर सेलर है तो घटाने के लिए क्रेडिट नोट, बढ़ाने के लिए डेबिट, अपोजिट। ठीक है, इसके लिए मैं 4 एग्जाम्पल लिख के लाया था अलग अलग सिचुएशन के, कि आपके साथ डिस्कस करूं, लेकिन क्लास अब बची नहीं है, हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। कल मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ ये जो टेबल है ये फिनिश कर लूं पूरी, क्योंकि ये टेबल ख़त्म होने के बाद आगे कोई टेबल हमें परेशान नहीं करेगी, और उसके बाद एक लाइव रिटर्न भर के दिखाऊंगा GST R1 कैसे जाती है। ठीक है, कल हम के कल में ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अभी आप लोग बैठ जाएं। सॉरी